नमस्कार, सिंधी स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 ई में हिंदी विषय में आठवें पाठ धरती की शान कविता है। इसके कवि है पंडित भरत व्यास जी, जो कि हमारे बहुत जाने माने गीतकार भी हैं। इनका जन्म 18 दिसंबर 1918 को राजस्थान के चुरू नामक गांव में हुआ था। ये बहुत ही जाने माने गीतकार भी हैं और यह कविता जो है वो 1958 में एक चलचित्र आया था, एक फिल्म आई थी गांव गौरी, उसमें से लिया गया है। इस कविता में पंडित भरत व्यास जी ने एक चीज बताई है कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, वो सबसे बड़ा है, सबसे महान है। और उसने अपनी बुद्धि और अपने कठोर परिश्रम से प्राकृतिक तत्वों को भी उसने अपने अनुकूल बना लिया है, उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया है। अपने हिसाब से वो उसके साथ खेल सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, तो उसको निराश या नाम भी नहीं होना है। आज दिन अखबार में हम पढ़ते रहते हैं कि मंदी के चलते या नौकरी ना होने से या अपमान सहन ना होने से, दुख सहन ना होने से आत्महत्या करके लोग मरे जा रहे हैं। तो मनुष्य है, हमने आकाश में जो तत्व है हम आकाश में पहुंच गए हैं, हमने पानी पृथ्वी पर सब पर हमने अपनी मन चाही चीजें प्राप्त कर ली हैं, अर्जित कर ली हैं, मतलब प्राप्त कर ली हैं। तो हमें निराश होना, हम धरती की संतान है, धरती कितनी सहन शक्ति है उसमें कि हम इसके ऊपर चलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, भारी भरकम पहाड़ चलते हैं, खोदते हैं हम इसको, पानी गिरता है, ठंड होती है बहुत कुछ, लेकिन कितना बर्दाश्त करती है। तो जब हमारी माँ ऐसी है तो बेटे को कायर होना या कमजोर होना शोभा नहीं देता, वो कोई मसला है ही नहीं। तो यहाँ उन्होंने मनुष्य की महानता का और मनुष्य को विपरीत समय आने पर अपने अंदर की शक्तियों को जानने और परखने का उन्होंने निवेदन किया है। हम समझते हैं धरती की शान भारत के संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य, तू बड़ा महान, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिले तुझे वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाग, तेरी प्रकृति में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, धरती सा दीन तुझे अग्नि सा वे, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय के पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे मनुष्य, तू बड़ा महान है, तू भारत में पैदा हुआ है, तू भारत माता की और धरती की संतान है मनुष्य, तू सबसे महान है, तू सब कुछ कर सकता है, तू पहाड़ को फोड़ सकता है। समय पहले पिक्चर आई थी मांझी दर्शन करके नायक है, सच में वास्तव में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, क्यों, क्योंकि वो गांव जो है वो चारों तरफ पहाड़ों से गिरा था और वो उनको उपचार नहीं करवा सके, उनका बस यही चीज उनके दिमाग में बैठ गई और उन्होंने बोला कि इस पहाड़ को तो मैं तोड़ के रहूंगा, जो मेरी पत्नी के साथ होगा वो किसी और के साथ नहीं होगा। उन्होंने किया ऐसा। लैला मजनू की कहानी में हम सुनते हैं कि मजनू ने ऐसा ही कुछ किया था, हम चाहे तो पर्वत को फाड़ सकते हैं, ये कुछ नामुमकिन नहीं है, नदियों के प्रवाह की दिशा को बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मनुष्य हैं। राजेंद्र
इधर नदियों को जीवंत कर दिया, जो कहते थे कि बिल्कुल सूख चुकी है उनको उन्होंने जीवंत कर दिया। सिंधु नदी के प्रवाह की दिशा भी बदली गई है, बदल गई है। तो कुछ भी कर सकता है तू, तू किसान है, तू माटी से अमृत निचोड़ सकता है, कितनी फसलें पैदा करता है, धरती का सारा रसकस को उसमें से निचोड़ के बाहर ला सकता है, तू धरती और अम्बर को मिला सकता है। कहाँ सुनते थे कि ओहो सात समंदर पार और इतना ऊंचा आकाश, आज तो हम हवाई जहाज में बैठ के 7 सेकंड में 7 समंदर पार, बादलों की सैर करके आते हैं तो हम उसको झोड़ सकते हैं, सैटेलाइट सामने मिल रही है। शरीर का नाश है लेकिन हमारे प्राण अमर है, हमारे कार्य अमर है, ऐसा हमें वरदान मिला है। हमारी आत्मा, आत्मा क्या है, इसमें भगवान का वास है जो हमें सही और गलत के बारे में हमेशा बताती रहती है। धरती सा धीर, हम पृथ्वी की संतान हैं तो उसमें इतनी धीरज है तो हम उतनी ही हमारे अंदर धीरज होनी चाहिए। नयनों में ज्वार, आग है हमें, कोई हमें डरा नहीं सकता। भूकंप होता है 1 सेकंड में सब तहस नहस, तो वैसी रफ्तार है हमारी गति में, चलते हैं तो लोगों के दिल बैठ जाए ऐसा कुछ हो तो सामना करें। और महाकाल, शिव का वास है हमारे शरीर के अंदर और हम पृथ्वी के अंदर इतनी धीरज है तो हमारा ये जो है भाव, मतलब जिसको हम कहते हैं लला गुजराती में, जैसे नीची कपा, वो हिम की गिरी मतलब पर्वत और हिम मतलब बर्फ का पहाड़, ठंड रखने से, सोच विचार करने से किसी भी वस्तु पर फतेह मतलब जीत पाई जा सकती है, इच्छित परिणाम मिल सकते हैं। ईश्वर ने हमें ये दिया है ब्रह्मी, ये ऐसे ऊपर नीचे करके इसमें तांडव, तांडव कब होता है, जब शंकर भगवान को बहुत गुस्सा आता है और उनका तीसरा नेत्र खुलता है और वो विनाशक नृत्य करते हैं, तो मतलब तांडव का ताल है तुम्हारे अंदर, तेरी आंखों में वो ताकत है, तो फिर तुझे निराश होना शोभा नहीं देता। तो खुद को पहचान, तेरे अंदर जो शक्तियाँ हैं उसको पहचान, तेरी वाणी जो किसी और को नहीं दी भगवान ने, मनुष्यों को दी है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी समय को ललकार सकता है, उसको रोक सकता है। तो हमें धरती जैसी धीरज रखनी है, अग्नि जैसी, अग्नि से, अग्नि के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, तो वैसा हमें बहादुर रहना है। अगर हमने ठान लिया, निश्चय कर लिया, तो हम उस समय को भी रोक सकते हैं। ये दुनिया में पाप जो भी चल रहे हैं, यदि हिम्मत से हमने काम लिया, मनुष्य ने काम लिया, तो ये पाप लीला रुक सकती है। जो वैशीपना, जानवरपना जो हो गया है, आए दिन अखबारों में छपता रहता है कि किसी को मार दिया बुरे तरीके से, जानवरों की तरह किसी के साथ दुष्कर्म किया, कर दिया गया, बच्चों के साथ ये हो गया वो हो गया, तो इसका शीश झुकेगा, मतलब उसको हारना पड़ेगा। लेकिन शर्त केवल इतनी है कि तू हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, मतिमान, मति मतलब बुद्धि, गुरु जो देवता है हमारे विद्या के, तो तू उनके जैसा मतिमान मतलब बुद्धि वाला है, और पवन जैसी तेरी गति है, चाल है, रफ्तार है, और तेरी उड़ान मतलब कहाँ जमीन पे बैठे बैठे तूने देख आसमान में हवाई जहाज उड़ा लिया, तो आसमान से भी ऊंचे तेरे सपने हैं। तू हार नहीं तू हार नहीं सकता, तुझे अपने अंदर झांकने की जरूरत है, दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत है, सोच विचार कर, सारी शक्तियां भगवान ने तेरे अंदर रखी है और जो तू चाहेगा वो तू पा सकता है। यह हमारी कविता 5 धरती की शान, आगे हम इसका स्वाध्याय देखेंगे।